तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने अच्छे अच्छे हाँ मेरा 3 दिन से दो दिन हो गया। हेलो गुड मॉर्निंग, मैं कमला तिवारी, आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। करते हैं नई दिन की शुरुआत। तो आज है मेरा चौथा व्रत, तो आज नवरात्रि की चौथे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार, मेरा सारा काम हो चुका है, नहाना धोना पूजा पाठ जितना भी होता है। तो आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत कुछ जल्दी भी हो रही है, अभी 8 बज चुके हैं, तो मुझे अभी जा रही हूँ मैं बाज़ार, क्योंकि मुझे दुकान का सामान लेके आना है। तो आज देखते हैं फिर कैसा होता है, जो भी होगा आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। एक तो पहले बता दूँ मैं आपको, कल मेरे मंदिर के दर्शन नहीं हो पाए, तो इस वजह से भी मैं आज जल्दी जा रही हूँ, तो वहीं से मंदिर के दर्शन भी कर लूँगी और अपना सामान भी लेके आऊँगी। तो चलते हैं सीधे बाज़ार। अब हम करते हैं तिरुआ जी भी आ रहे हैं मेरे साथ, और आज इनका बॉडीगार्ड ये भी आ रहे हैं। थोड़ी धुआं क्यों आ रहा था ये? हैं? ये बहुत ही धुआं आ रहा था। बाबरे कितना धुआं छूट रही ये जो उधर का वो नहीं खुलता है अभी गुफा, वो शनिवार मंगलवार को। अच्छा तो मंदिर के दर्शन भी हो चुके हैं। रुक जाओ, मैं फोटो खींच रही हूँ, रुको 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 रुको। तो यहाँ से हो चुके हैं हमारे मंदिर के दर्शन। तो जो यहाँ है ना आश्रम भी है यहाँ पे, देख सकते हो। जय शनिदेव, यहाँ पे शनिदेव श्री लुटेरिया महाराज आश्रम, यहाँ तो बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ आश्रम भी बना हुआ है। तो दोस्तों मैंने दर्शन तो कर लिए, यहाँ पे आश्रम भी है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जो इसके बगल में गुफा है ना वो अभी बंद है, शनिवार और मंगल को खुलता है। तो अब चलते हैं सीधे बाजार, हम नज़दीक में आते नहीं है ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ ये पार्क है, पार्क है। देख सकते हैं यहाँ पे है पार्क, यार कितनी अच्छी जगह है यहाँ पे। कितनी अच्छी जगह है यार यहाँ पे, हम आते नहीं है नज़दीक में, इधर उधर जाते हैं, लेकिन मेरा बहुत दिन से मन था यहाँ आने का, क्योंकि मैं रोज़ नीचे ऊपर मंडी जाती थी, तो आने का हुआ ही नहीं। मतलब कल भी आई थी, कल भी मेरा दर्शन नहीं हो पाए, तो खैर आज हो ही गए मेरे दर्शन। बहुत समय से मन था मेरा यहाँ आने का, लेकिन आने का नहीं हो पाया, आज फाइनली
आ गई यार, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत प्यारी। अभी शायद काम चल रहा है शायद यहाँ पे, बहुत अच्छा बना रखा है यार। और यहाँ पे भी है, वाह देख सकते हैं कितना प्यारा बन रहा है। मेरा ना फोन भी आज ऐसे हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है। कितने ये पता नहीं, मैं भी अभी आ रही हूँ। काट रखा है या ऐसे टूट रखा है हवा से? अच्छा, फूल बिन रहे हो यही मंदिर के लिए? अच्छा, रोज आते हो आप? अच्छा, आप तो यहीं के होंगे ना? अच्छा हाँ, मैं आज फर्स्ट बार आई हूँ यहाँ, फर्स्ट बार, बहुत अच्छा लगा। मंडी में पहुंच चुके हैं हम, अब लेंगे यहाँ से सब्जी। शायद मैं अब वीडियो नहीं बना पाऊंगी यहाँ का पूरा, क्योंकि फ़ोन मेरा फिर से ख़राब हो गया, चार्ज नहीं हो रहा। पाँच रुपये बच्चे हैं, उसी में मैं वीडियो बना रही हूँ, देखिए कितना चल रहा है। 720 किलो मेहनत करा को सर, हमेशा काम करेगा, ये टूटेगा नहीं, गलेगा नहीं, फटेगा नहीं सर। क्या है ये दवा? ये सर दवा मैडम, दवा किस चीज के? दर्द के दवा मैडम। अच्छा, मतलब कुछ भी दर्द हो? कोई भी दर्द हो मैडम, दर्द के लिए काम करता है। अच्छा। किसी का सिर में, गर्दन में, सीना, छाती में, घुटना। अच्छा। में गठिया बाल। तो इसके अंदर क्या है? इसमें मैग्नेट का मापी का, जैसा बिजली होता है ना आदमी का हाथ पकड़ने से खून निकलता है, ये दर्द खींचता है मैडम। अच्छा, ये मछली का, ये समुद्र वाला कोट मछली, जो मछली से दवा होता है ना, लाखों रुपए का दवा बनता है मैडम। तो ये इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है? इसमें आपका आपका इधर में मंडी का आदमी परमान दे जा रहा है, इतना इतना ताकत वाला है, इतना बढ़िया चीज है मैडम। अच्छा, ये पूछो तो चीज है, हमारे खानदान से बेच रहा है। अच्छा, आप लोग वीडियो कर रहे हैं, कर रहे हो पूरे साथ छोड़ ही देना, अरे हमारा बहुत फेजूल में है। अच्छा, हमारा आदमी गाँव का। हाँ, देखो आपका दिमाग घूम जाएगा मैडम, जो दर्द के लिए कितना ताकत वाला चीज होता है। अच्छा, देखने के लिए सुखा हड्डी। आप यही मंडी में मिलते हो रोज? हाँ, मेरा 3 दिन से लगा, 2 दिन हो गया और 1 हफ्ते तक रहेगा। 1 हफ्ते तक? 1 हफ्ता। अच्छा, जब भी आता है 10 दिन 1 हफ्ते तक रहता है मैडम। चलो ठीक है, जिसको लेना होगा तो ये वीडियो देखेंगे तो मंडी में। हमारा नंबर भी ले जा रहा हूँ। हाँ, तो नंबर बता दो अपना। 9595 दिया है ना, इसमें आ जाएगा ना, आप बोल दो। 4674128 3। अच्छा, संपर्क करेंगे तो आप घर हमारा हर टाइम मिलेगा। अच्छा, अच्छा, अगर कोई ऑनलाइन में दे देता है 2000 3000 5000 रुपए दवा ले जाता है ऑनलाइन में देता है, आधा पैसा बाद में देता है, आधा अलग से देता है। अगर अच्छा, सामान चले जाएगा तो बाद में पैसा पठा देता है। अच्छा, चलो थैंक यू, जिसको लेना होगा तो नंबर हमारा ले जाएगा मैडम जी। थैंक यू, ये दर्द हो गया खाली, इसको ले जाओ। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों पहुँच चुके हैं हम घर, मंदिर के दर्शन भी करे और सब्जी भी लेके आए, तो अब बनाएंगे खाना पीना बच्चों के लिए। मेरा तो व्रत है, तो उसके बाद मेरा बहुत सारा काम है, कपड़े धोने हैं, दुनिया भर का काम है यार, तो काम हो जाता है ना, पूछो ही मैं। तो उसके बाद मिलते हैं आपसे काम करने के बाद। तो
दोस्तों, मैं मंदिर से आने के बाद खाना पीना बर्तन जो भी था वो काम किया मैंने, और तो सारा सुबह हो चुका था। तो उसके बाद अब बज चुके हैं 3 और हमने चाय भी पी ली। अब है मेरी दुकान की ड्यूटी, आप जाते हैं सीधे दुकान। तो क्या करें यार, और व्रत के दिन भी ऐसे ही रहता है, सारा काम करना पड़ता है। तो अब बैठेंगे हम दुकान पे, और सब्जी भी लगानी है मैंने अभी, और तिरुआ जी भी जा रहे हैं आज घर को। अभी तिरुआ जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज ये भी जा रहे हैं। बुरा लग रहा है यार, ठीक रहे तो आपको घर अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा, हमको तो बुरा लगता है। एक दिन आ रहे फिर जाओगे तो फिर बुरा लगता है। तो अभी लगानी है मैंने सब्जी, यहाँ पे रखी हुई है। इतनी महंगी हो रही ना सब्जी, तो थोड़ा थोड़ा लाना पड़ रहा आजकल। और ये रही मेरी हरी सब्जी भी है आज। अभी धूप आई, अभी मत लगा। अरे टमाटर लगा दे तुमने। खाना खा के जाओगे ना? क्यों खाना खा के जाओगे, मैं बना के रखूंगी। चली गई तिरुआ जी। एक ही ना, हमेशा फोन में ही लगे रहते हैं, पता नहीं क्या है ये। हेलो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ दुकान से अंदर, और खाना पीना बनाती हूँ क्योंकि व्रत है मेरा। तो अभी बज चुके हैं 8, तो अब बनाती हूँ खाना पीना। आज थोड़ा जल्दी आ गई अंदर, तो अब बनाते हैं खाना पीना और पूजा पाठ सब कुछ करते हैं यार व्रत की वजह से मतलब। हेलो दोस्तों, अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर, खाना पीना बनाना है क्योंकि व्रत चल रखे आजकल, तो टाइम से खाना पीना बनाते हैं। और दुकान में बैठे रहो ना, उठने का मन नहीं करता है, वहीं बिजी रह जाते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई अंदर आज। अभी बज चुके हैं 8, तो खाना भी बनाना है, पूजा पाठ भी करनी है। वैसे तो मेरा रोज 9 बज जा रही पूजा पाठ करने में, दुकान की वजह से लेट हो जा रही। खाना पीना वही 10 बज जा रहे हैं, तो आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई अंदर। बनाते हैं खाना पीना, पूजा पाठ करते हैं। और आज तो ऐसे ही रहा यार, थोड़ा वहाँ गए थे हम मंदिर तिरुआ जी के साथ, तो आज का दिन भी कुछ ऐसे ही रहा फिर। और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको पसंद आए तो शेयर लाइक ज़रूर करना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी आजकल मैंने इतने ब्लॉग बना रखे हैं ना, आधे आधे आधे, तो मैंने डाले भी नहीं हुआ। तो ऐसे भी आजकल मेरे बहुत कम हो रहा है ब्लॉग डालना। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।